इस क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ पी एक्स इक्वल टू ए और ये दिया हुआ कि 3x-4 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो के का वैल्यू निकालना है। इस केस में हम पॉलिनोमियल फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। पॉलिनोमियल फैक्टर थ्योरम, पॉलिनोमियल फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स देन पी ऑफ ए विल बी इक्वल टू जीरो। तो अगर x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर है तो p ऑफ ए क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3x-4 जो है x माइनस ए के फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम x माइनस ए के फॉर्म में लाने के लिए 3 हम कॉमन ले सकते हैं और हो जाएगा x-4/3। ठीक है, तो ये अब जैसे इसमें हम रिमाइंडर निकालेंगे p ऑफ ए, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3, तो p ऑफ 4/3 कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए क्योंकि ये फैक्टर है इसका। तो p ऑफ 4/3 हम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 × 4/3 के होल क्यूब माइनस 11 × 4/3 के होल स्क्वायर प्लस k × 4/3 माइनस 20 इक्वल टू जीरो। इसी को और हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके k का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो गया, 2 × ये हो गया 64/27 माइनस ये हो गया 16 × 11 हो गया 176/9 प्लस 4k/3 माइनस 20 इक्वल टू जीरो। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 128/27 माइनस 176/9 माइनस 20 प्लस 4k/3 इक्वल टू जीरो। अब इसका हम जैसे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया 27, तो ये हो गया 128 और माइनस 3 एन ये हो गया 528 माइनस ये हो गया 540 राइट इंटू 20 प्लस 4k/3 इक्वल टू जीरो। ये और हो जाएगा 128 माइनस 1068/27 प्लस 4k/3 इक्वल टू जीरो। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 409 माइनस इतना डिवाइडेड बाय 27 प्लस 4k/3 इक्वल टू जीरो। ये और फिर हो जाएगा 4k+3 इक्वल टू 940/27, इसलिए k इक्वल टू कितना हो गया, 940/27 इंटू 3/4। इसे 9 टाइम्स ये हो गया 4702 अगेन ये डिवाइड होगा तो हो जाएगा 235 इक्वल टू 235/9, तो k का वैल्यू आ गया 235/9। तो ये हो गया आपका आंसर, k इक्वल टू 235/9 ये हो गया फाइनल आंसर।